फ्रेंड्स, मैं हूँ पारुल। कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गर्मियों में आइसक्रीम किसे पसंद नहीं होती, आज मैं एक और तरीके से बिल्कुल इजी मेथड से, जिसमें आपको किसी इलेक्ट्रिक हीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी कंडेंस मिल्क की, एकदम बाजार जैसी सॉफ्ट क्रीमी आइसक्रीम झटपट आप बना पाएंगे। और इस आइसक्रीम का नाम है चोको कैफे डिलाइट। जो आप बड़े बड़े आइसक्रीम पार्लर्स में खाते हैं चोको कैफे डिलाइट, वही आइसक्रीम बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट से आप घर में बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चोको कैफे डिलाइट आइसक्रीम की ये स्पेशल रेसिपी। सबसे पहले आप गैस पर रखिए एक पैन या कढ़ाई, गैस को ऑन करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 125 ml गाढ़ा दूध। हमें यहाँ पर गाढ़े दूध की जरूरत होगी क्योंकि आइसक्रीम तभी क्रीमी बनती है। अब दूध को हम मीडियम फ्लेम पर और गर्म करेंगे। ये मैंने लिया है एक छोटी चम्मच कॉर्न स्टार्च यानी कॉर्न फ्लावर, जो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल है। कॉर्न स्टार्च से आइसक्रीम में थिकनेस बढ़ती है, क्रीमी टेक्सचर की हमारी आइसक्रीम बनती है। अब इसी गर्म दूध में से हम 2 चम्मच दूध डालेंगे और कॉर्न स्टार्च को अच्छी तरीके से घोल लेंगे। फ्लेम को लो कर देंगे और जो हमने कॉर्न स्टार्च दूध में घोला है उसको इसमें डालेंगे और लगातार इस तरीके से चलाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। लो फ्लेम पर कॉर्न स्टार्च को इस तरीके से लगातार चलाएंगे और घोलेंगे। और अब इस स्टेज पर जब कॉर्न स्टार्च मिक्स हो गया है, हम इसमें डालेंगे 250 ml अमूल फ्रेश क्रीम। यहाँ हमें याद रखना है रेशो 1:2 का है, यानी हमने लिया है 125 ml मिल्क और 250 ml फ्रेश अमूल क्रीम। 1 मिनट तक लो फ्लेम पे इसी तरीके से अच्छे से स्टर करेंगे, जिससे बढ़िया से सभी चीज मिक्स हो जाए। कॉर्न स्टार्च और क्रीम हमने इसमें जैसे डाली है, इस तरीके से आइसक्रीम बहुत ही क्रीमी बनती है। इससे पहले भी मैंने बहुत तरीके से आपको आइसक्रीम बनानी बताई है, आप वैसे भी ट्राई कर सकते हैं। अब 1 मिनट बाद जब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, इस स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 tablespoon कॉफी पाउडर। जो भी कॉफी का पाउडर, इंस्टेंट कॉफी पाउडर आपके घर में है वो आपको डालना है। और अब इसमें डालेंगे पाउडर शुगर यानी चीनी का पाउडर। चीनी को आप मिक्सी में पीस करके इस तरीके से उसका पाउडर तैयार कर लें और अपने टेस्ट के अनुसार आप इसमें डालें। लेकिन याद रखें, चीनी का बहुत बड़ा रोल होता है एक बढ़िया आइसक्रीम जमने में। अगर आपने इसमें चीनी कम डाली तो आपकी आइसक्रीम थोड़ी आइसी भी हो सकती है यानी बर्फ वाली, या आपने चीनी बहुत ज्यादा कर दी तो जमने में बहुत ज्यादा समय लग सकता है। तो मैं यहाँ 4 बड़े चम्मच डाल रही हूँ, अपने स्वाद के अनुसार थोड़ा सा कम ज्यादा एडजस्ट किया जा सकता है। अच्छे से लो फ्लेम पर सभी चीजों को मिक्स करेंगे। इस आइसक्रीम में इतना बढ़िया फ्लेवर आएगा आपको, चॉकलेट का भी आएगा जो मैं अभी बताऊंगी, और कॉफी का भी। अब इस मिक्स को हम तब तक मीडियम फ्लेम पर गाढ़ा करेंगे जब तक कि ये बढ़िया से गाढ़ा ना हो जाए। और ये हमें कैसे पता चलेगा, ये जो हमारी स्टरिंग स्पून है यानी जो स्पैटुला है या आपकी स्पून है, उस पर इसकी गाढ़ी कोटिंग ना आ जाए। यानी जब हम इसको डिप करें स्पैटुला को तो ये इस पर रुकना चाहिए। जैसे अभी ये ड्रिप हो रहा है यानी गिर रहा है, अभी इसको थोड़ा और हमें गाढ़ा करना होगा। और ये देखिए, हमारा मिक्स सिर्फ 5 ही मिनट में बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। इस पूरी प्रिपरेशन में सिर्फ 6 से 7 मिनट लगते हैं और हमारी आइसक्रीम तैयार हो जाती है। बस उसके बाद जो भी टाइम लगेगा आपकी आइसक्रीम को फ्रीज होने में लगेगा। ये देखिए कितनी हमारी गाढ़ी हो गई है। पूरे इस तरीके से स्पून पर उसकी एक कोटिंग आनी चाहिए। तो गैस को ऑफ करते हैं। अब गैस ऑफ करने के बाद आप इसी तरीके से छोड़ दें और ठंडा होने दें। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम आगे की आइसक्रीम का प्रिपरेशन करेंगे। हमारा आइसक्रीम मिक्स बिल्कुल ठंडा हो चुका है और इसमें से बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है, और जिन लोगों को कॉफी बहुत पसंद है उनके लिए तो ये ट्रीट है। तो अब हम लेते हैं एक मिक्सी का जार और मिक्सी के जार में ये ठंडा जो हमारा आइसक्रीम मिक्स हुआ है इसको डाल देंगे। पूरा बेस मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया है। अब हम यहाँ मिक्सी के जार का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ कोई भी इलेक्ट्रिक बीटर वगैरह का यूज नहीं कर रहे हैं। इसमें बढ़िया एयर पॉकेट्स आ जाए और हमारी आइसक्रीम में क्रीमी टेक्सचर आए। लेकिन आप इसको गर्म इसमें मत डालिएगा, जब वो ठंडी हो जाए उसके बाद ही आप मिक्सी में डालकर उसे फास्ट स्पीड पर लगभग 2 मिनट के लिए ब्लेंड करें। तो मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और ये देखिए परफेक्ट। तो जिस वक्त आप बेस बनाते हैं और आपके कुछ लम्स आ भी जाए तो आप उसके लिए परेशान ना हो, क्योंकि फाइनली ये इसको हमें मिक्सी में चलाना है और हमारा पूरा आइसक्रीम का मिक्स एकदम स्मूथ हो जाएगा। तो अब हम लेते हैं एक एयरटाइट कंटेनर या कोई भी आप बॉक्स ले लीजिए जिसमें भी आपको आइसक्रीम को जमाना है। तो मैं इसमें ट्रांसफर कर देती हूँ। चलिए, तो ये मैंने कर लिया एक एयरटाइट कंटेनर में ट्रांसफर। अब हमें इसको 1 घंटे के लिए फ्रीजर में
ठंडा होने के लिए रखना होगा। जब ये सेमी चिल्ड सा हो जाएगा तब इसे एक बार और हम मिक्सी में ब्लेंड करेंगे, अच्छी तरीके से चलाएंगे, जिससे ये और भी क्रीमी टेक्सचर की हमारी आइसक्रीम बने। यहाँ मैं एक चीज और बता देती हूँ, अगर आप वनीला एसेंस लाइक करते हैं और आपके पास है घर में, तो आप इसमें एक छोटी चम्मच वनीला एसेंस की भी डाल सकते हैं। वैसे कॉफी का अपना ही फ्लेवर बहुत अच्छा है, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ यहाँ पर। तो मैं इस पर लिड लगा देती हूँ और फ्रीजर में इसको एक घंटे के लिए रख देती हूँ। आप चाहें तो इसको फ्रीजर में रख दें या फिर आप दो घंटे के लिए चिल्ड होने के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। एक घंटा हो चुका है, मैंने फ्रीजर से आइसक्रीम को बाहर निकाल लिया है, तो अब इसको खोलते हैं। ये देखिए बिल्कुल चिल्ड है। अब हम एक मिक्सी के जार में वापस ठंडे आइसक्रीम मिक्स को डालेंगे और इसको एक बार और फास्ट स्पीड पर अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। तो ये लीजिए, मैंने इसको एक मिनट और फास्ट स्पीड पर ब्लेंड कर लिया है और एकदम क्रीमी क्रीमी हमारी चोको कैफे डिलाइट आइसक्रीम का मिक्स तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे दो बड़े चम्मच चोको चिप्स। बहुत ही इजीली किसी भी अच्छी ग्रोसरी स्टोर पर आपको ये मिल जाएंगे। अगर आपके पास चोको चिप्स घर में नहीं है तो आप कोई भी चॉकलेट ले लें और चॉकलेट को ग्रेट करके डाल सकते हैं, या छोटे छोटे चंक्स बना करके भी चॉकलेट के पीसेस को इसमें डाला जा सकता है। और उसी कंटेनर में हम इसको अब डाल देंगे। चोको चिप्स हमें पहले बिल्कुल नहीं डालने हैं, वरना ये भी ग्राइंड हो जाएंगे और पिस जाएंगे। इसलिए जब आप पूरे मिक्स को अच्छे से ब्लेंड कर लें, उसके बाद इसमें ऊपर से डालें और फिर कंटेनर में ट्रांसफर कर दें। इस तरह से कंटेनर में आप वापस ट्रांसफर कर दें और थोड़े से चोको चिप्स में इसके ऊपर भी डाल देती हूँ, जिससे इसकी लुकिंग अच्छी आए। और ये जब चोको चिप्स आप आइसक्रीम खाएंगे तो इतना बढ़िया आपको इसका क्रंची टेस्ट आएगा आइसक्रीम में, चॉकलेट वाला, तो बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन लगेगा चॉकलेट और कॉफी का। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर की ये आइसक्रीम होती है, मस्ट ट्राई रेसिपी है, जरूर बनाइएगा एक बार। और जिस तरीके से मैंने बनाई है, 100% क्रीमी ये आपकी आइसक्रीम बनेगी। तो ये लीजिए, इस तरीके से मैंने इसको पूरा चोको चिप से डेकोरेट कर दिया है। अब इसके ऊपर हमें करना होगा इसको कवर। तो या तो आप लीजिए बटर पेपर, बटर पेपर आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप या अच्छे सुपरमार्केट में इजीली मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर लगा देती हूँ एक बटर पेपर। बटर पेपर या प्लास्टिक का कोई भी पेपर आप जब इस पर लगाते हैं तो एक तो इसके ऊपर आइस नहीं जमती, इवन कूलिंग होती है और बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर की हमारी आइसक्रीम जमती है। अब हम इसको लगाएंगे लिड और अब हम इसको डीप फ्रीजर में लगभग 6-7 घंटे के लिए अच्छी तरीके से जमने के लिए रख देंगे, जब तक कि ये प्रॉपर सेट ना हो जाए। 6-7 घंटे हो चुके हैं तो मैंने आइसक्रीम को फ्रीजर से निकाल लिया है और अब इसको हम चेक करते हैं कि ये हमारी आइसक्रीम कैसी जमी है। वाओ, ये देखिए, हमने बटर पेपर लगाया था, इतना इजीली ये आइसक्रीम के ऊपर से हट रहा है। और ये देखिए कितनी अच्छी हमारी आइसक्रीम जमी है। और इसमें जो आप ये बबल्स की फॉर्म में देख रहे हैं जाली सी, इसका मतलब आइसक्रीम एकदम क्रीमी टेक्सचर की है और बटर पेपर लगाने की वजह से इसमें बिल्कुल आइस भी नहीं आई। अगर हम इस पर फॉइल चिपकाते तो एल्युमिनियम फॉइल इस पर चिपक जाती, इजीली हटती नहीं। तो या तो हम एल्युमिनियम फॉइल से ऊपर कवर करें, लेकिन सबसे अच्छा ये रहता है कि आप जो पेपर इस पर लगा रहे हैं या आप प्लास्टिक का जो भी बैग इस पर लगा रहे हैं वो इसके सरफेस को टच करें, तभी आइसक्रीम में बर्फ आने के चांसेस कम रहते हैं। और जिस तरीके से हमने ये बनाई है, इसमें बिल्कुल भी बर्फ नहीं आएगी। तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं। अब एक स्कूपर की मदद से हम एक प्रेजेंटेबल बोल में आइसक्रीम को सर्व करेंगे। वाओ, बहुत ही बढ़िया और यमी आइसक्रीम बनी है। गर्मियों में आइसक्रीम बहुत जल्दी मेल्ट होने लगती है, तो जब भी आपके घर में मेहमान आने वाले हो और जिस भी बोल में आपको आइसक्रीम को सर्व करना है, तो एक टिप ये है कि आप आइसक्रीम के बोल्स को फ्रिज में 2-3 घंटे पहले रख दें और फिर वो बोल जब इस वक्त आपको आइसक्रीम सर्व करनी है, फ्रिज से निकालें। ठंडे चिल्ड बोल में जब आप आइसक्रीम डालेंगे तो आइसक्रीम जल्दी मेल्ट भी नहीं होगी और उसको खाने का मजा ही फिर कुछ और आएगा। तो चलिए मैं लगा देती हूँ इसमें 2 वेफर स्टिक्स। कि इसकी आप ये लेयर्स देखिए, बिल्कुल मार्केट की आइसक्रीम की तरह एकदम मुंह में घुल जाने वाली आइसक्रीम। और ये देखिए इसका क्रीमी टेक्सचर, बिल्कुल क्रीमी आइसक्रीम बनी है 100%, बहुत ही यमी फ्लेवर है। तो ये लीजिए, बिल्कुल तैयार है हमारी चोको कैफे डिलाइट आइसक्रीम। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये स्पेशल चोको कैफे डिलाइट आइसक्रीम बहुत पसंद आई होगी, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है और यमी, जरूर ट्राई कीजिए एक बार और मुझे बताइए कि ये आपको कैसी लगी। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो हमेशा की तरह लाइक करें,
हमेशा की तरह लाइक करें, सभी लोगों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बनी बेल बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। मिलते हैं एक नए वीडियो में, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।